सीकर के दृष्टिबाधित छात्रावास नारमल कैंपस में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर रविवार को अखंड ओम नमः शिवाय जाप का आयोजन किया। अनुष्ठान को बाकायदा पूजन अर्चन करने के बाद से शुरू किया गया, जिसमें नेत्रहीन बच्चों ने अपनी हिस्सेदारी की और वाद्य यंत्र बजाकर ओम नमः शिवाय गीत गाकर परिसर को भक्तिमय कर दिया। इस मौके पर धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि विगत 8 वर्षों से ये अनुष्ठान किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय अनुष्ठान करने के पश्चात बुधवार को कलश विसर्जन और भंडारे का आयोजन किया गया है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए धर्मेंद्र शर्मा ने कहा, मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। शिवरात्रि का कार्यक्रम है, जिससे कि बहुत लोग हैं बिना प्रोग्राम के नहीं आते हैं, तो इसलिए भी प्रोग्राम करते हैं कि अधिक से अधिक लोग आएं और सबसे परिचय बने। ये 8वां संस्करण है, 2012 से कर रहे हैं। मान लीजिए आज कीर्तन शुरू हुआ है, कल समापन होगा, 6 तारीख को कलश विसर्जन और भंडारा होगा।